सूरत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी भी यहाँ देख रहा हूँ मैं, गोवा के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं और कई राज्यों के ऊर्जा मंत्री भी मुझे नजर आ रहे हैं। उसी प्रकार से विदेश के मेहमान, जर्मनी की इकोनॉमिक कोऑपरेशन मिनिस्टर, डेनमार्क के इंडस्ट्री बिजनेस मिनिस्टर, मंत्रिमंडल के मेरे साथी प्रहलाद जोशी, श्रीपद नायक जी और दुनिया के कई देशों से आए हुए सभी डेलीगेट्स, देवी और सज्जनों, दुनिया के अनेक देशों से पधारे हुए सभी साथियों का वेलकम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस का फोर्थ एडिशन है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले तीन दिनों तक यहां एनर्जी के फ्यूचर, टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज पर सीरियस डिस्कशन होगा। यहां हमारे सीनियर मोस्ट सारे चीफ मिनिस्टर्स भी हमारे बीच हैं, उनका अपना भी इस क्षेत्र में बहुत अनुभव है। इन चर्चाओं में हमें उनका भी मूल्यवान मार्गदर्शन मिलने वाला है। इस कॉन्फ्रेंस से हम जो एक दूसरे से सीखेंगे वो पूरी ह्यूमैनिटी की भलाई के काम आएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत की जनता ने 60 साल बाद लगातार किसी सरकार को थर्ड टर्म दिया है। हमारी सरकार को मिले थर्ड टर्म के पीछे भारत की बहुत बड़ी एस्पिरेशंस है। आज 140 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है, भारत के युवाओं को भरोसा है, भारत की महिलाओं को भरोसा है कि उनकी एस्पिरेशंस को पिछले 10 साल में जो पंख लगे हैं वो इस थर्ड टर्म में एक नई उड़ान भरेंगे। देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को भरोसा है कि हमारा थर्ड टर्म उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी बनेगा। 140 करोड़ भारतीय भारत को तेजी से टॉप 3 इकोनॉमीज में पहुंचाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए